Hello friends, in the last class we have discussed up to mean of a grouped data. किसी grouped data का mean किस तरह से निकाला जाएगा, कितने methods होते हैं mean निकालने के, इस बारे में हमने discussion किया था. Now we will change the topic and we will now discuss a new topic, that is mode. Now we will going to discuss the calculation of mode in a ग्रुप्ड डेटा. ओके, किसी ग्रुप्ड डेटा का मोड कैसे निकाला जाए. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मोड. सो इन द फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू मोड इज व्हाट इट इज बेसिकली द ऑब्जर्वेशन. द ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मोड का मतलब वह ऑब्जर्वेशन जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, दैट विल बी द मोड ऑफ द गिवन डेटा. ओके, बट एज आई टोल्ड यू मोड इज द ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. सो बेसिकली वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट फॉर अनग्रुप्ड डेटा. ओके, अनग्रुप्ड डेटा. इफ आई हैव सम अनग्रुप्ड डेटा देन आई कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. The example is the wickets taken by a bowler in 10 cricket matches are given. So what is given? The wickets taken by a bowler in 10 cricket matches. 10 क्रिकेट मैचेस में एक बॉलर ने कितने कितने विकेट्स लिए, इंडिविजुअल मैच में कितने विकेट्स लिए, दैट डेटा इज गिवन टू अस. एंड दैट डेटा इज फर्स्ट मैच में ही टुक 2 विकेट्स एंड देन इन द सेकेंड मैच ही टुक 6, देन 4, देन 5, देन 0, देन अगेन 2, देन 1, देन 3, देन 2 एंड 3. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट दिस डेटा इज गिवन. You can see there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numbers are written on the board. So what this 2 represents? This 2 represents the number of wickets taken by that bowler in the first match. 6 represents the number of wickets taken by that same bowler in the second match. This is in the third match, this is in the fourth match, fifth match, sixth match, 7th, 8th, 9th and 10th. Okay, so 10 cricket matches, the data, that is the number of wickets taken by this bowler in 10 cricket matches is given to us. Now what we will do is, okay, this is a ungrouped data, this is a raw data. So what I can see is, I can see in first match he took 2 wickets and in the second, third, fourth, fifth and the sixth one, sixth match again he took 2 wickets. And in the 7th, 8th and 9th match, again he took the 2 wickets. So what I can say is that the frequency of taking 2 wickets in this particular 10 cricket matches is 3. Why 3? Because this 2 is appearing 3 times, this 2 is appearing 3 times in this 10 cricket matches. So let us create a distribution. Okay, we will create a distribution for this 10 matches in a ordered way. The number of wickets he took is either 0 or 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Now, what is the number of wickets he took in how many matches he took 0 wickets? You can see first, second, third, fourth and fifth. Only the fifth match. सिर्फ फिफ्थ मैच में उसने एक भी विकेट नहीं लिया. सो आई विल से दिस 0 इज अपियरिंग 1 टाइम इन दिस 10 मैचेस. ओके, देन एक विकेट लेने वाले कितने मैचेस हैं? सेवेंथ मैच. सो आई विल से 1 इज अपियरिंग ओनली वंस इन दिस 10 मैचेस. ओके, व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग, दिस इज द नंबर ऑफ विकेट्स एंड दिस इज द नंबर ऑफ मैचेस इन विच ही टुक दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ विकेट्स. सिमिलरली 2 विकेट्स, फर्स्ट मैच में भी उसने 2 विकेट्स लिए, सेवेंथ सिक्स्थ मैच में भी 2 विकेट्स लिए और नाइन्थ मैच में भी 2 विकेट्स लिए. सो आई विल से दिस 2 विकेट्स इज अपियरिंग इन 3 क्रिकेट मैचेस.
यह टू विकेट्स जो आ रहा है, दिस इज अपियरिंग इन थ्री क्रिकेट मैचेस. सिमिलरली दिस थ्री विकेट्स, यू कैन सी दिस थ्री इज अपियरिंग टू टाइम्स. इन द एट्थ क्रिकेट मैच ही टुक थ्री विकेट्स, एंड इन द टेंथ क्रिकेट मैच अगेन ही टुक टू थ्री विकेट्स. सो आई विल से दिस नंबर ऑफ विकेट्स इज अपियरिंग टू टाइम्स. देन फोर विकेट्स, ही टुक फोर विकेट इन ओनली वन ऑफ द मैच. देन ही टुक फाइव विकेट्स इन ओनली वन ऑफ द मैच, एंड इन सिक्स विकेट्स ही टुक ओनली इन वन ऑफ द मैच. सो वॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग विकेट्स? Okay, for taking 0 wickets it's 1, for 1 wicket it's 1, 2 wickets is 3, and so on. So you can see I define mode as the observation with maximum frequency. This is the frequency, okay, and this is the observation. So what should be the mode? I can see the frequency is maximum, that is this one. And this frequency corresponds to this observation. So I will say the mode of this given data is the frequency with maximum observation, that is 2. So main kahunga is group ka jo data hai, is ungrouped data ka jo mode hai, that is mode is equals to 2. Okay, because the frequency of taking 2 wickets is 3. तीन मैचेस में ऐसा हुआ कि उसने दो 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 विकेट्स लिए, तो इस वजह से हम कहेंगे कि इस ग्रुप का मोड है 2. ओके, इस डेटा का मोड है 2. ओके, सो दिस इज द मोड. नाउ व्हाट यू कैन सी इज इन दिस पर्टिकुलर डेटा, दिस इज एन अनग्रुप्ड डेटा, दिस इज एन अनग्रुप्ड डेटा. बट अगर ग्रुप्ड डेटा आ जाए तो इन द ग्रुप्ड डेटा यू कैन सी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस नहीं होते. ओके, ट्राई टू रिमेंबर, ग्रुप डेटा में हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं होते, हमारे पास क्लास होती है. ओके, एक क्लास इंटरवल होता है, एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है. ओके, द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास, दिस वी हैव डिस्कस्ड. सो ग्रुप्ड डेटा की खासियत यह है कि वहां पर आपको ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली नहीं मिलेगी, वहां पर आपको डायरेक्टली क्लास मिलेगी. ओके, सो व्हाट आई कैन से इज इन केस ऑफ grouped data, we will get a class rather than an observation. Okay, rather than a single observation, we will get a class. So this is the difference between the grouped data and ungrouped data. Now, here we have defined that the observation with maximum frequency will be known as the mode. So in case of grouped data, I will say the class with the class with maximum frequency will contain mode. Okay, मैं कहूंगा कि वह क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, दैट क्लास विल गोइंग टू कंटेन द मोड. जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, मोड उसी में होगा. मोड क्या है? मोड इज अ सिंगल वैल्यू. यू कैन सी मोड क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू. लेकिन क्लास कैसा होता है? क्लास इज बेसिकली एन इंटरवल. बट अगर हमें इस केस में, ग्रुप्ड डेटा के केस में मोड निकालना है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सर्च द क्लास विच कंटेन्स मोड. ओके, वी विल सर्च द क्लास विच कंटेन मोड, एंड द क्लास विच कंटेन मोड, द क्लास which contain mode is called modal class. ऐसा class जिसके अंदर mode है. जो हमारा mode है, यह क्या है? एक numerical value है. और class हमें क्या मिलता है? एक particular range मिलता है, किसी एक particular value से
दूसरी वैल्यू तक, ओके, एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में, ओके, दैट इज द क्लास। सो जिस क्लास में मोड कंटेन्ड है, जिस क्लास में मोड एग्जिस्ट कर रहा है, उस क्लास को हम कहेंगे मोडल क्लास, इट्स अ मोडल क्लास। सो फिर मोड कैलकुलेट कैसे होगा? सी, मोड कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड अप्लाई इन द एग्जाम डायरेक्टली। एंड द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा इज गिवन बाय मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू टाइम्स एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोड ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा। ओके, किसी ग्रुप्ड डेटा का मोड कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यूज दिस फॉर्मूला एंड अप्लाई इट डायरेक्टली। हियर द टर्म्स यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज एल। सबसे पहले एल की बात करते हैं। व्हाट इज एल? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास। एल रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास। मोडल क्लास हमने अभी देखा, जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है दैट क्लास विल बी नोन एज द मोडल क्लास। ओके, और उस मोडल क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एल। ओके, देन सेकेंड थिंग एच। एच इज द साइज ऑफ मोडल क्लास। एच रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ मोडल क्लास। साइज ऑफ क्लास मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज द साइज ऑफ द क्लास। सो दिस एच रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ मॉडल क्लास। ओके, और द क्लास इंटरवल, वॉट एवर यू कैन से। सो देन सेकेंड थिंग इज, सॉरी, थर्ड थिंग इज एफ वन। एफ वन रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो भी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ वन। एंड देन एफ जीरो, एफ जीरो रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीडिंग क्लास। एफ जीरो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीडिंग क्लास। एंड द नेक्स्ट टर्म इज एफ टू, इट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। सक्सीडिंग क्लास मतलब जो हमारा मॉडल क्लास है उसके जस्ट बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी इज एफ टू, जो हमारा मॉडल क्लास है उसके जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी इज एफ जीरो। मॉडल क्लास का इंटरवल और मॉडल क्लास का साइज इज एच, एंड एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एंड व्हाट इज अ मॉडल क्लास? वह क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ओके, तो जिस क्लास में मोड होगा उसे हम मॉडल क्लास कहेंगे, या दूसरे टर्म्स में कहें मोड क्या है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, मॉडल क्लास वही होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, या ऐसा कहें मोड उसी क्लास में होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ओके, सो इन दिस वे आई कैन डिफाइन द मोड ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा। दिस इज अ फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, इट्स बियॉन्ड अवर स्कोप। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट्स सफिशियंट टू रिमेंबर। ओके, यू विल नॉट गेट अ वेरी डिफिकल्ट और वेरी हाई लेवल क्वेश्चन इन आइदर ऑफ योर सीबीएसई एग्जाम्स और स्टेट बोर्ड एग्जाम और इन एनटीएससी एग्जाम। ओके, दिस इज अ वेरी लिमिटेड टॉपिक बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज अ ह्यूज फील्ड, इट्स अ वास्ट फील्ड एंड देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी अंडरस्टूड। But we will limit our discussion to some basic formulas only. Okay? So this is how the mode of a grouped data is defined. So try to understand the difference between the mode of an ungrouped data and the grouped data. See, this there is no formula for calculating the mode in a ungrouped data.
बट इन केस ऑफ ग्रुप डेटा वी हैव अ वेरी बिग फॉर्मूला, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच. सो दिस इज अ ह्यूज फॉर्मूला, सो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड लेट अस डिस्कस सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट प्लीज नोट दिस. ओके, लेट अस नाउ डिस्कस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोड फॉर द ग्रुप्ड डेटा. द क्वेश्चन इज अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकैलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउसहोल्ड. सी व्हाट द क्वेश्चन सेज इज दैट देयर इज अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स. कोई एक पर्टिकुलर लोकैलिटी है, ओके, उस लोकैलिटी में 20 हाउस हैं, ओके, 20 फैमिलीज रिसाइड करती हैं और उन सभी 20 फैमिलीज पर एक सर्वे कंडक्ट किया गया. ओके, व्हाट इज द सर्वे? देयर इज अ सर्वे ऑफ फैमिली साइज. ओके, फैमिली साइज के लिए एक सर्वे किया गया उस पर्टिकुलर सोसाइटी में कि किस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, हाउ मच मेंबर्स आर देयर इन इंडिविजुअल फैमिली, एंड दैट काइंड ऑफ सर्वे इज कंडक्टेड इन द इन दैट पर्टिकुलर लोकैलिटी. सो डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर सर्वे इज गिवन एज, दिस इज एन एग्जाम्पल, डेटा इज गिवन एज फैमिली साइज, फैमिली साइज एंड द साइज इज गिवन एज 1 to 3, 3 to 5, then 5 to 7 and 7 to 9 and then 9 to 11 and number of families. That took part in survey. So this is 7, this is 8, this is 2, this is 2, and this is 1. Okay? Now, see, this is the data given. कुछ students ने मिलकर एक locality में एक survey किया 20 families पे, total families. टोटल फैमिलीज इस सर्वे में 20 हैं. टोटल फैमिलीज, इन 20 फैमिलीज पर सर्वे किया गया कि किस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. ओके, हाउ मच मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इंडिविजुअल फैमिली. सो इन दैट सर्वे दे जनरेटेड दिस डेटा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फैमिली साइज. सो वॉट यू कैन सी, 1 then 3 then 7. सो वॉट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट there are 7 families in which the number of persons in that family is 1 to 3. aisi 7 families us locality mein hai jahan par 1 se leke 3 ke beech mein number of members hain. it means ya to single member hai, ek hi person hai, or there may be 2 persons, for example husband wife. okay, so 2 persons ya 1 persons reside kare, aisi families kitni hai? 7. and then second is 3 to 5 is 8. इसका मतलब ऐसी 8 फैमिलीज उस लोकैलिटी में है जहां पर मेंबर्स की संख्या 3 से लेके 5 के बीच में कहीं ना कहीं है. 3 मेंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन. ओके, और 4 मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ देयर सन एंड देयर डॉटर. इट्स लाइक 4 पीपल्स इन द फैमिली, 4 पीपल इन द फैमिली. सो इन दिस वे दे कंडक्टेड द सर्वे एंड दे फाउंड दिस डेटा कि ऐसी 2 फैमिलीज हैं जहां पर 5 to 7 members उस फैमिली में है. ऐसी 2 families हैं जहां पर 7 to 9 के बीच में members उस फैमिली में है. एंड देर इज ओनली 1 फैमिली जहां पर 9 to 11 के बीच में नंबर ऑफ members एग्जिस्ट करते हैं. सो अवर टास्क इज टू कैलकुलेट द मोड ऑफ दिस गिवन डेटा. अवर टास्क इज टू कैलकुलेट द मोड. सो हाउ विल वी कैलकुलेट द मोड? एज आई टोल्ड यू, मॉडल क्लास सबसे पहली चीज हमें जो सर्च करनी है, दैट इज मॉडल क्लास. सबसे पहला टास्क है हमारा मॉडल क्लास को सर्च करना. वॉट शुड बी द मॉडल क्लास? मॉडल क्लास इज द क्लास विच हैज हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. यू कैन सी फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है?
this particular. 8 is the highest frequency and this corresponds to this class 3 to 5. So, main kahunga my modal class is 3 to 5. This 3 to 5 matlab aisi 8 families hain. Sabse zyada kis tarah ki family dikhi unhe? Sabse zyada aisi families dikhi jahan par members 3 to 5 ke beech mein kahin lie karte hain. Okay, ya to 3 member hain ya fir 4 members hain. 5 ko nahi le sakte, it's an upper class. So, for upper classes, it should be considered in the next class. Okay. So, now we will apply the formula for modal class for calculating the mode. So, the formula for mode, we know this formula and that is L plus F1 minus F0 upon 2 times F1 minus F0 minus F2 into H. Okay. So, what does this L represents? It represents the lower limit of modal class. So, what is the lower limit of modal class? I will say L is equals to lower limit of modal class and this is equals to, this is the modal class, lower limit is 3. So, this L is equals to 3. Then what is H? H is the class interval. What is the class interval in this case? You can see 5 minus 3 is 2. So, 2 is the class interval. Remember, basically we are going to apply this formula on only those data, on only those grouped data where the class interval is same. You can see, yahan par class interval same hai, 11 minus 9, 7 minus 9 minus 7 or 7 minus 5 or 5 minus 3 or 3 minus 1. Sabhi jagah pe class interval bilkul same hai. That's why we can conveniently apply this class interval H or this formula to calculate the mode. Then the third thing we have is F0, frequency of preceding class. What is the preceding class? Iske pehle jo class aa rahi hai, that is 1 to 3 and the frequency for this class is 7. So, F0 is 7 and then F1, frequency of this modal class, frequency kitni hai? 8 and then F2, frequency of succeeding class. Succeeding class kaun si hai? 5 to 7. The frequency of this class is 2. So, this is equals to 2. So, now we can very easily calculate the mode. Mode will be equals to L. L is what? It is 3. 3 plus F1 minus F2. Sorry, F1 minus F0. This is 7. F1 is 8 minus 7. 8 minus 7 upon 2 times F1. F1 is modal class, that is 8 minus 7 minus 2. Okay. F0 minus F2 into H, that is equals to 2. So, just you can solve this calculation. This is 3 plus 8 minus 7 is 1 upon this is 8 to the 16 minus 9. So, what is 16 minus 9? It is 7 into 2. So, this is 3 plus 2 by 7. So, this is 3 plus 2 by 7 and just you can calculate this. It will come out to be 21 plus 2. This is 1. Okay, 3 ke niche hum 1 le lenge. Cross multiply kar denge. 1 ko yahan, 7 ko yahan. So, denominator mein 7 aa jayega, upar 21 plus 2, that is 23 by 7. So, 23 by 7 is what? It is 3 point something. 3 point, you can see it is 20 and 3.2 something. So, this 3.2 or 23 by 7 represents the mode of this particular class, mode of this particular data. So, mode kya bata raha hai? Sabse zyada frequency. Sabse zyada frequency ka matlab, aisi 8 classes ya kahein, agar ye students us locality mein survey karne niklenge, so definitely they will going to find maximum time the family members in a family are 3.2 or more than 3. Okay? Zyada tar unhe yahi dikhai dega ki jo family hai, the survey they are conducting, in that survey they will find maximum times unhe aisi families hi milengi jahan par members 3 hai ya 4 hai. Na ki 2 or na ki 5, okay? 3 or 4.
बिकॉज 3.2 पर्सन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सो आइदर दे विल गेट 3 मेंबर्स और 3.4 मेंबर्स. ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मोड एंड दिस इज द बेसिक वी कैन से द सिग्निफिकेंस ऑफ मोड. सो व्हाट हियर मोड इज रिप्रेजेंटिंग, मोड रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम टाइम विच और वी कैन से द मोड रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम चांस ऑफ गेटिंग फैमिली मेंबर्स. ओके, द मैक्सिमम चांस ऑफ गेटिंग थ्री फैमिली मेंबर्स, ऑफ गेटिंग थ्री फैमिली मेंबर्स वी कैन राइट हियर. सबसे ज्यादा चांसेस क्या है कि जब वो सर्वे करने निकलेंगे मोस्ट प्रोबेबली हर बार उन्हें ऐसी ही फैमिलीज मिलेंगी जिनमें थ्री मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हों. ओके, और फोर मेंबर्स, इट्स नॉट फिक्स्ड बिकॉज ये 3.2 वैल्यू आ रहा है. सो इन दिस वे दिस इज द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोड. फर्स्ट नोट दिस, देन वी विल कंटिन्यू.